शश योग, गज केसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य योग। आखिर ये योग क्या होते हैं और क्या वाकई फल से, इनके फल से इंसान की किस्मत बदल जाती है, इसको लेकर आज हम जानेंगे। राजयोग वो शुभ योग कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से सबसे शुभ फल प्राप्त करता है और ये योग बनने पर व्यक्ति जीवन में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। तो आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे और इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कौर जी। और आचार्य जी से हम जुड़ेंगे और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में हम उनसे पूर्ण जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये योग क्या होते हैं और कौन कौन से योग हैं, क्या कुछ उनके फल हैं और कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो करने की वजह से ये शुभ योग हमारी कुंडली में बनते हैं, हमारे जीवन में बनते हैं। तो अगर इन योगों की बात की जाए तो खास तौर पर आज ऐसे चार शुभ योग हैं जिसको लेकर हम जानेंगे आचार्य जी से। शश योग, इसके अलावा गज केसरी योग आपने अक्सर सुना होगा, जिनकी भी कुंडली में होता है वो राजयोग होता है, वो लोग राज कर रहे होते हैं, किसी बड़े पद पर होते हैं या फिर कोई ऐसे बड़े पद पर आसीन होते हैं जहां पर पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो इसके अलावा एक और योग है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग क्या होता है और उसके क्या कुछ शुभ फल प्राप्त हम करते हैं हमारे जीवन में, क्या असर इसका होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और एक और योग है जिसके बारे में आज जो जिक्र किया गया है ये है बुधादित्य। अब क्या होते हैं ये योग और आखिर इनकी वजह से हमारे जीवन पर, हमारी किस्मत पर इसका क्या शुभ असर पड़ता है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। कहा यह जाता है कि ये सभी शुभ योग हैं वो हमारे अच्छे कर्मों का फल होते हैं, तो सबसे जरूरी है अच्छे कर्म। और चलिए हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं, अब सीधा हम उनसे जानेंगे आज के विषय के बारे में। आचार्य जी प्रणाम, आपका बहुत स्वागत है आपको। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी बिल्कुल आचार्य जी, आज का जो विषय है कुछ खास योग ऐसे हैं जो कि जातक की कुंडली में अगर आ जाते हैं तो बहुत ही शुभ योग देकर जाते हैं, शुभ फल की प्राप्ति होती है, जैसे कि शश योग है, गज केसरी योग है, लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य योग। तो क्या होते हैं आखिर ये योग और क्या कुछ इसके फल हमारे जीवन में मिलते हैं, साथ के साथ ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके करने की वजह से किसी जातक की कुंडली में ये शुभ योग प्राप्त होते हैं? देखिए ये सही बात है, शश योग, गज केसरी योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग, ये व्यक्ति को वाक्य में इंसान की किस्मत बदल देते हैं जी। और हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि कुंडली में जब ऐसे योग किसी को मिलता है तो वो व्यक्ति बहुत जीवन को सुख सुविधाएं व लग्जरी जीवन जीने का जो है उसका सौभाग्य प्राप्त होता है। और खास तौर पर जो ये पांच योग हैं इनके बारे में सबसे पहले बात करें शश योग की, तो शश योग कुंडली में जब बनता है तो चंद्रमा से पहले चौथे, सातवें और दसवें घर में शनि अपने स्वयं की राशि मकर राशि या फिर कहें कुंभ या उच्च राशि तुला राशि में जब होते हैं तो फिर ये शश योग कर्माण होता है और ये जीवन को उत्तम स्वास्थ्य देता है, व्यक्ति को सामाजिक सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठित देता है और खास तौर पर ऐसे लोग अभियंता, जज, वकील आदि बनते हैं और भूमि का जो है सुख भी खूब प्राप्त होता है। गजकेसरी योग जो कि गजकेसरी योग कन्मान होता है, गुरु और चंद्रमा दोनों एक साथ उपयुक्त तो होता है या फिर कहें लगन से चौथे, सातवें, दसवें घर में या फिर करक का बृहस्पति हो तो फिर गजकेसरी योग का निर्माण होता है। ये व्यक्ति को विशेष तौर पर आप ये माने कि राजाओं का जैसा जीवन देता है, कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति शक्ति और धन दौलत से समर्थ होते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में खूब खूब उत्साहित रहते हैं और धार्मिक आध्यात्मिक भी होते हैं। लक्ष्मीनारायण योग बेहद शुभ योगों में इनका गिनती होता है
और आप ये माने कि जब इस योग का निर्माण जो होता है, जिनकी कुंडली में वो लक्ष्मी नारायण योग होता है, बुध और शुक्र दोनों एक साथ हो जाएं, बुध और शुक्र की युति हो जाए, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है, जी जो कि लक्ष्मी का मालिक बना देता है, धनाधिपति बना देता है। बुद्धादित्य योग, बुद्धादित्य योग बुध और सूर्य के एक साथ होने से बुद्धादित्य योग बनता है। और अगर किसी व्यक्ति की बुद्धादित्य योग बन रहा है, तो मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करने में बहुत अग्रसर रहता है। ऐसे जातक अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करते हैं और जीवन में खूब ऐश्वर्य धन सुख शांति के साथ जीवन को जीते हैं। तो इस प्रकार से जो है, ये पांच योग के बारे में आपने आज जानकारी शेयर की सभी दर्शकों को। मैं अंकुर जी बताना चाहूंगा कि आपने वो चीज को पकड़ करके प्रश्न रखा है जो मैं समझता हूं कि बहुत कम लोगों की जन्मपत्री में ऐसे संयोग देखने को मिलते हैं, और जिनको मिलते हैं तो उनको इस प्रकार से लाभ मिलते हैं। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, देखिए आपने बताया कि जिनकी कुंडली में ये योग होते हैं उनको क्या कुछ फल प्राप्त होते हैं या उनका जीवन कितना सुखमय होता है, कितनी सुख समृद्धि की उन्हें प्राप्ति होती है, लेकिन इन शुभ योग को हमारी कुंडली में लाने के लिए जातक को किस तरीके के कर्म करने चाहिए उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, या फिर जिनकी कुंडली में ये शुभ योग है, जैसे आपने कहा कि बहुत ही ऐसी कम कुंडलियां होती हैं जिनके जिसमें ये शुभ योग प्राप्त होते हैं, तो ऐसे में कर्म कैसे होने चाहिए हमारे, क्या ऐसे कर्म किए जाए ताकि हमारी भी कुंडली में इस तरीके के शुभ योग हो। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, और ये बात सही है कि व्यक्ति के जो है कुंडली में शुभ योग तभी होते हैं जब प्रभु की कृपा होती है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि कुंडली में शक्तिशाली योग जब बनते हैं वो आपके धर्म से, आपके कर्म से ही प्राप्त होते हैं। और ये श्रेष्ठ योग जो बनते हैं वो आपके अपने विचारों से और लोगों के हित का चिंतन करने से, और श्रेष्ठ विचारधारा के साथ जीवन को किसी उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए जब कार्य करते हैं, तो फिर उनके यहाँ ये ऐसे योग बनते हैं। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे IAS हो, चाहे RS हो, लेकिन ये शुभ योग जो है उनमें में तभी बनते हैं जब अच्छी सोच, अच्छे कर्म, अच्छे विचार रखे जाते हैं। जी बिल्कुल, तो अच्छे सोच, अच्छे कर्म, अच्छे विचार अगर आपके होंगे तो आपका कर्म अच्छा होगा, और अच्छे कर्म होंगे तो फिर आपकी कुंडली में भी ये शुभ योग होंगे और उसकी वजह से आपका जीवन जो है वो बहुत ही सुख और समृद्धि के साथ होगा। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शक जो कि बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं ताकि आप उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द बताएं, उपाय बता सकें, तो अब बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और सीधा उनसे रूबरू होंगे। बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर, और क्या आपकी समस्या है आप बता सकते हैं आचार्य जी हमारे साथ। जी राम राम। पंडित जी, मैंने अपनी दीदी के बारे में पूछना, उनका नाम है मीनाक्षी, पंडित जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 1989। पंडित जी मैंने पूछना था कि इनकी शादी कब तक होगी और इनके इनको सरकारी नौकरी वाला मिलेगा। पंडित जी इनको एक रिश्ता आया है लेकिन लड़के की ना पहले शादी हो रखी है और उसका भी डिवोर्स हो रहा है, तो मुझे बताइए कि उसका डिवोर्स कब तक हो जाएगा और इनकी शादी हो जाएगी उसके साथ हो जाएगी। बेटी, उस लड़के का नाम क्या है? पंडित जी लड़के का नाम तो मुझे नहीं पता, बताया तो नहीं फिर उन्होंने मुझे। चलिए, लड़के का नाम को नहीं बता सकता मैं, क्योंकि नाम यदि बोलते तो मैं सबको बताने का प्रयास करता, लेकिन कोई बात नहीं। मीनाक्षी की बात करें तो मीनाक्षी की, देखिए, शादी की बात जो हो रही है वो कर पाएंगे आप लोग। ये हालांकि 2024 में 27 अक्टूबर के बाद जाकर की व्यवस्था बनेगी। वो लड़का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, और अप्रैल 2025 में जाकर शायद उसका तलाक की डिग्री उसके हाथ में आए। तो आप कृपा करके एक काम करें, आपकी जो बहन है मीनाक्षी, इनके लिए संध्या के समय प्रतिदिन शिव मंदिर में घी का दीपक जला करके हनुमान जी के समक्ष रखने को कहें, अवश्य इन्हें ठीक होगा। ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, तो आप ये कीजिए, जरूर एकदम ठीक होगा, बहुत मंगल शुभकामना। और कॉलर्स और भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। गुरु जी राम राम।
हाँ राम राम जी। हाँ गुरु जी, मैंने अपनी माँ के बारे में पूछना है। गुरु जी कुंती देवी गुरु जी, तो उनको आज गुरु जी ईद में क्या हॉस्पिटल में गुरु जी कैंसर है उनको, तो गुरु जी आज कोमा लगना है उनको, ईमो लगनी है, ईमो लगनी है गुरु जी आज उनको, तो गुरु जी ऐसी कृपा भी करो कि वो झेल सके गुरु जी और ठीक हो जाए गुरु जी। और आज है उनकी या नहीं है गुरु जी, मुझे बताना ना। देखिए आपने बड़ा अच्छा भाव रखते हुए प्रश्न किया अंकुर जी। हमारा भारत देश जो है वो रिश्तों को समझता है, रिश्तों को खास तौर पर अपना श्रृंगार मानता है। जी। जिनके अच्छे रिलेशन अच्छे रिश्ते होते हैं वही तो उनका श्रृंगार है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो है आप अपने परिवारजन के लिए जो बात कर रहे हैं, ये आपकी जो माँ है इनको निश्चित रूप से अच्छा होगा। आप इनके लिए यदि थोड़ा सा कर सकते हैं तो कीजिए, करीब 1.25 किलो आटा भून लीजिए, उसमें थोड़ा बूरा मिश्रण करिए शुगर पाउडर, और उसके बाद थोड़ा घी का छींटा दीजिए, और मोटा आटा होना चाहिए। और उसके बाद अपनी माँ का नाम बोल के, उनके हस्बैंड का नाम बोल के, और आपका गोत्र बोल के, और कहें कि ये पुण्य मेरा मेरी माँ के निमित्त है, और ये पुण्य को चीटियां आप स्वीकार करें, और चीटियों के लिए जो है ये डालना शुरू कर दें, अवश्य जो है ये ठीक होंगे। आप ये कीजिएगा और कोशिश करना कि ये 7 शुक्रवार करें, अवश्य इनको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका, और बताइए क्या समस्या है आपकी। आचार्य जी हमारे साथ हैं, आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। आचार्य जी आपको नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। और मैं अच्छा जी ये पूछ रहा हूँ कि ये पितरों के लिए मैंने, मेरे दक्षिण के अंदर परिंदा है पानी का, तो उसमें दीपक जला के रख दिया। वैसे हम कोई पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उसके अंदर दीपक जला दिया और गूगल धूप जगा दी उसके अंदर, मतलब जो गिल्ली होती है वो, तो ये पितृ स्तोत्र फिर उसके सामने पढ़ना है या शाम के समय में पूजा घर में बैठ के पढ़ लूं या अपने बाहर आंगन में पढ़ लूं, इसके बारे में बताएं। देखिए पितृ प्रसन्न होकर के सदैव आपको सुखी और संपन्न बनाए रखें, इसके लिए विशेष तौर पर आप अपने पितरों के जहाँ स्थान दे रखा है, चाहे वो परिंदा हो चाहे वो रसोई हो, उसे बहुत साफ सफाई से रखें, और उनके निमित्त आप कहीं भी बैठ के पढ़ें, निश्चित रूप से वो आपको बहुत लाभ देंगे। और जहाँ दीपक की बात करें तो देखिए दीपक के लिए पितृपक्ष में रोजाना शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से, और काले तिल डाल करके सरसों के तेल का दीपक जलाने से आपके पितरों को बहुत मौज मिलती है, बहुत आनंदित होते हैं, बहुत हर्षित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो उनका आशीर्वाद पूर्वजों का प्राप्त करने के लिए आप ये कीजिए, पीपल के पेड़ के दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो आप संध्या के समय ये कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। या फिर जो आपने प्रेरणा में बना रखा है तो वहाँ दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होंगी, तो आप ये कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल। तो देखिए पितरों के लिए ये सवाल था, और मेरे ख्याल से जब ये पितृपक्ष चल रहे हैं तो ये सवाल का जवाब जो है वो हमारे तमाम दर्शक इस वक्त जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी होगा, और ये जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, और भी कॉलर्स हमारे साथ लगातार हैं फोनलाइन पर, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपकी, बताइए। हेलो, आपकी आवाज मिल रही है, आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज पहुंच पाए। मैं गोविंद दवे बोल रहा हूँ। हाँ 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 बिल्कुल, बड़े समय के बाद बोल रहे हैं आप, बोलिए। मैं गोविंद दवे बोल रहा हूँ, आपका बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो, मैं गोविंद दवे बोल रहा हूँ, आपकी हाँ, आवाज आ रही है, आप अपना सवाल कीजिए। आयुष्मान श्री राम जय राम, जय जय राम, आदरणीय प्रणाम प्रणाम आपको प्रणाम। मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे मेरे भतीजे की शादी हुए 4 साल हो गए हैं, मेरे भतीजे की शादी हुए 4 साल हो गए हैं जी।
सवाल कीजिए पक्का। और उनके संतान नहीं है, संतान के योग कम है, और मैं उनको, मैं आप लोगों पर विश्वास करता हूँ पूरा। जी जी जी, देखिए आपका बहुत स्वागत है। मैं आपको एक आग्रह करना चाहूंगा, और हमारे जी न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शक सुन रहे हैं कि बाबूजी बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम भी करते हैं, और बड़ी श्रद्धा और विश्वास इसलिए रखा जाता है जब आदमी को मन करता है और जब भगवान की कृपा से कोई कार्य बनते हैं तो विश्वास बनता है। मैं आपके विश्वास को अखंड रखने के लिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप उनका एक बार कल मुझे नाम बोलिएगा और डेट ऑफ बर्थ हो तो बोलिएगा, बाकी मैं आपके नाम से ही देख पा रहा हूँ। और गुरुदेव के निर्देश अनुसार आपके जो बच्चा है उसको संतान में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि उनका कोई लेफ्ट साइड की ट्यूब आदि कहीं ब्लॉकेज जैसी स्थिति में है और थोड़ा काउंटिंग भी कम है, तो थोड़ा मेडिकल साइंस का सहयोग लें और संतान होगी। और संतान इनको 2025 में 13 फरवरी के बाद जाकर कंसीव होने का संभावना बनेगी, तो आप ये कीजिएगा, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामना। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, बहुत स्वागत, आप भी अपना सवाल कर सकते हैं, बताइए क्या समस्या। पंडित जी राम राम। राम राम जी। पंडित जी राम राम। पंडित जी, हाँ, राम। एक जी, क्वेश्चन राम राम। पूछना चाहती हूँ कि ये आम ज्योतिष बोलते हैं कि पितृ दोष है कुंडली में, 3 पीढ़ी का पितृ दोष है, ये कौन से ग्रह से होता है पितृ दोष? देखिए पितृ दोष, बहुत सही बात है, ये बात सही है कि पितृदोष का होना और पितृदोष का प्रभाव होना वैदिक ज्योतिष में, आप ध्यान सुने, जब सूर्य को आत्मा और पूर्वजों का प्रतिनिधित्व ग्रह माना जाता है तो कुंडली में राहु केतु शनि या मंगल पापी ग्रह जब होते हैं और ये व्यक्ति के जन्म पत्री में जब होते हैं तो परिणाम स्वरूप जो है कई परेशानियां सामने आती हैं और सूर्य और राहु की अशुभ स्थिति को लेकर के पितृदोष का निर्माण बनता है। पितृदोष अक्सर कुंडली में सूर्य और राहु की अशुभ स्थिति से जुड़ता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पितृदोष का जो लोग कहते हैं हर दूसरे जन्म पत्री में ऐसा बोला जाता है, लेकिन आप अपने घर में सभी दर्शकों के लिए है, जब प्रतिदिन गंगा जल गौमूत्र आप छिड़कते हैं और गूगल धूप की धुआं करते हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ में जल भी चढ़ा सकते हैं, जल में काले तिल मिलाकर के दक्षिण दिशा में अर्घ देने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध प्रणदान आदि कर्म करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए गरीबों को दान पुण्य करना भी पितृदोष से मुक्ति दिलाता है जी। तो इस प्रकार से जो है आप डरिए नहीं, और पितृ दोष का जो है उपाय भी है, और कृपा करके ये तो हर दूसरी जन्मपत्री में पितृदोष आजकल देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? जो हमारे पूर्वज अकाल मृत्यु में मर जाते हैं या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है या आत्मा कहीं अटकी रहती है तो फिर वो पितृदोष में जो है तब्दील, कई बार इससे जो है संतान विकलांग होती है, संबंध बुद्धि की बन जाती है, चरित्रहीन हो जाता है व्यक्ति, तो ये सब पितृदोष के कारण ही सब चीजें संभव होती हैं। पर इनका उपाय भी बहुत सरल है, जैसा मैंने आपको बताया है, आप अवश्य करें, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने से भी पितृ शांत होते हैं, श्राद्ध पक्ष में अच्छे से अच्छे श्राद्ध कर्म करें तो भी पितृ शांत होते हैं, गरीब अपंग विधवा सहित महिलाओं को दान दें, और गीता पढ़ें, 7वां अध्याय मार्कंड पुराण, पुराण अंतर्गत पितृ स्तुति है उसको आप पढ़ें, 13-14 अमावस्या पूर्णिमा के दिन गुड़ घी धूप दीप आदि जो है पंडित को दे, मंदिर में दे, और मांस मदिरा से दूर रहें, महिलाओं का सम्मान करें, तो ये सब पितृदोष का जो है, महिलाओं का सम्मान करना भी पितृदोष की शांति होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, इसलिए महिलाओं का सम्मान करें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बहुत महत्वपूर्ण
काम आने वाली चीजें हैं, और मेरा मानना है कि इनके करने से आपको बहुत लाभ होगा और सभी दर्शकों को लाभ होगा। अंकुर जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी बिल्कुल आचार्य जी जो भी आपने उपाय यहाँ पर बताए हैं हमारे सभी दर्शक जो भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही हितकारी और लाभकारी होंगे। ठीक है आचार्य जी, अब वक्त हो चला है राशिफल का। आज की राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज आपका जीवन बहुत आनंददायक रहेगा, जीवन साथी का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा, नौकरी चाकरी की स्थिति बहुत अच्छी आपकी रहेगी, स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आज दिखाई देता है, आज संतान से बहुत स्नेह रखेंगे, व्यापार खूब अच्छा दिखने चलेगा, और यदि आप कर सकते हैं तो आज कोई अन्न दान वगैरह या भोजन दान आदि आपके हाथ से करना चाहिए। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। वृषभ राशि के सभी लोग शत्रु मित्र बनाने की कोशिश करेंगे आज, स्वास्थ्य में सुधार होना तय है, प्रेम संतान बहुत अच्छा जो है सम्मान के साथ आज आपका रिस्पेक्ट करेंगे, और यदि बन सके तो आज आपको अपंग असहाय दीनहीन विधवा महिलाओं का सम्मान में कुछ दान करना चाहिए। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। अच्छे निर्णय आज लेंगे, भावुकता में रहने के बाद भी निर्णय लेने की क्षमता आपकी और सराहनीय बनेगी। आज लेखकों को कवियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, अच्छा व्यापार बहुत अच्छा सोच आज आपकी बनी रहेगी। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों। कर्क राशि के जातकों को आज भूमि भवन वाहन की खरीदारी संभव है, घर में कुछ उत्सव संभव हो रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम संतान, व्यापार इन सब में बहुत अच्छा आज आपको लाभ दिखाई देगा। आज कोई लाल वस्तु से आपको बहुत लाभ हो सकता है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। पराक्रम आज आपका रंग लाएगा, एक बहुत अच्छी सोच के साथ सॉफ्ट एनर्जी फ्लो करेगी, आप स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे इसलिए बहुत अच्छा रहेगा, व्यापारिक स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेहतर बनेगी, आपको आज अप्रोच करेंगे और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों को। आज धन आगमन की स्थिति बनी है, कुटुंबों में परिवार में आपकी आज मान सम्मान की वृद्धि होगी, सब साधक की तरह आज व्यवहार रखें बहुत अच्छा रहेगा, धनदायक दिन रहेगा, स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा, व्यापार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और मां काली के दर्शन करें आज, और वहां बैठे गरीब लोगों का हित में चिंतन करते हुए दान पुण्य करें। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों। बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी स्थिति आपकी आज बनी है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, प्रेम संतान बहुत अच्छी है, आज बस थोड़ा उदार रोग परेशान आपको कर सकता है, पीली वस्तु का दान करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें, प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, व्यापार बहुत अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा, आज काली वस्तु का दान करें बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करें तो घरेलू जो बाधित आज रह सकता है,
और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले दर्शकों के लिए, आज नाक कान गला की परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, बाकी संतान पक्ष भी बहुत अच्छा दिखाता है, व्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको आज व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत आनंद मिलेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों की, आज धन हानि होने के संकेत दिखाई देते हैं। जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे ना लगाएं, स्वास्थ्य नरम रहेगा, आंख या मुख के रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं, वहीं व्यापार बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शक, आज ऊर्जा का स्तर बहुत घटता बढ़ता नजर दिखाई देगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा, एक बेचैनी घबराहट सी बनी रहेगी, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम संतान भी मध्यम रहेगा, व्यापार लाभ बहुत ठीक ठाक बना रहेगा, आज खाली वस्तु दान करें बहुत ठीक रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल, आज का राशिफल, आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा, ये भी आचार्य जी ने आपको बताया है। और आचार्य जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, श्री राम, जय राम, जय जय राम।